अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में देर से बतलाने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर भागलपुर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह को लेकर अनूठी पहल का आयोजन। सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर भागलपुर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह को लेकर अनूठी पहल का आयोजन किया गया। सीनियर एसपी नितिशा गुड़िया ने नेतृत्व में बिना हेलमेट के बाइक चला रहे दर्जनों बाइक सवार को निःशुल्क हेलमेट दिया और लोगों से यात्रा करते समय हेलमेट पहनने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर, सार्जेंट मेजर के शर्मा, केंद्रीय रेलवे यात्री संघ जेडएक्स विष्णु खेतान, एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडर गणेश जी ओझा सहित कई विभागों के अधिकारी और पुलिस कर्मी मौजूद थे। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो जो व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पे हमें मिले तो उन्हें हमने फाइन नहीं करके हम लोगों ने एक हेलमेट गिफ्ट किया है और उनको हिदायत दी है कि आइंदा से वो हेलमेट पहन के लिए अपनी सुरक्षा रखते हुए सड़क पे निकले। धन्यवाद। अमृतसर का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दिन दहाड़े सहायक शिक्षिका से हथियार के बल पर लाखों रुपए की लूट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सरिता देवी सहायक शिक्षिका ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है। वहीं उन्होंने बताया कि घर से निकलकर स्कूल जाने के दौरान डॉक्टर दिवाकर क्लिनिक के पास मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाश ने हमारे पास से 20,000 नगद व सोने की चैन, 80,000 रुपए की एवं ईयर रिंग व अंगूठी हथियार दिखाकर लूट लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हथियार के बल पे से 4 ठो आया मोटरसाइकिल से, पीछे सामान दिखा के सब सामान छीन लिया और सब छीन ले लिया खुलवा खुलवा के। क्या क्या लिया? कान का अंगूठी, गला का और उसमें बैग, पूरा बैग में था, मोबाइल था और चश्मा था, 2 पासबुक था और 20,000 रुपया भी था। सारा छीन लिया? सब सारा छीन लिया। कितने लोग थे? 4 लोग। क्या चीज पे थे? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से किधर की ओर भागे? 2 ठो तो इधर भागा। किधर? आगे की ओर, चौक की तरफ। और 2 को तो देख नहीं सके हम। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। आप क्या है? शिक्षिका। इसके लिए आपने आवेदन दिया है थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं कल 21 को 8:30 बजे रात में, 8 बजे। कितना देर हुआ आवेदन देने से? 24 घंटा। अब तो कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, इससे सभी हम लोग भयभीत हैं, सभी शिक्षक, कि ये स्कूल के गेट के आगे वारदात हो जाना एक महिला के साथ में, यह बहुत ही असुरक्षा का भाव है और हमें यह हमेशा भय लगा रहता है कि आज एक शिक्षिका जो परिपक्व शिक्षिका है और 21 तारीख उठाए उसके साथ ही घटना होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आती है पढ़ने के लिए, बहुत दूर दूर से, और 8वां तक की लड़कियाँ आती हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कल किसी के साथ कोई वारदात आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। वो सुरक्षित है,
और ईश्वर प्रशासन से हम अपील करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए इनका बरामद किया जाए और जो वारदात करने वाला है उसको उचित दंड दिया जाए ताकि विद्यालय के सभी लोग सुरक्षित महसूस हों। परिचय सर आपका? मैं सुनील कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक को शांति देवी मराठा कन्या विद्यालय सुनता हूँ। बीहपुर के जमालदीपुर में युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बीहपुर थाना क्षेत्र के जमालदीपुर में ब्रह्मदेव यादव के पुत्र विकास यादव 30 वर्ष की हत्या से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमालदीपुर चौक के समीप शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे 14 नंबर सड़क को जाम कर दिया, जिससे तकरीबन 2 घंटे तक सड़क पर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। वहीं आक्रोशित ग्रामीण और मृतक के परिजन मुआवजे और हत्यारों की फांसी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर SDPO दिलीप कुमार के आश्वासन पर ग्रामीण जाम हटाने को राजी हुए। जाम हटाने के बाद सड़कों पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। वहीं सड़क जाम समाप्त करने के बाद लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 4 आरोपियों विंदेश्वरी सिंह, तारनी मंडल, मनीष कुमार और बलराम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ भी कर रही है। वहीं SDPO दिलीप कुमार ने जमालदीपुर घटनास्थल पहुंचकर शुक्रवार को मामले की जांच की। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। SDPO ने मृतक की पत्नी प्रियंका देवी से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तेलगी के एक जमीन मालिक से जमालदीपुर के विंदेश्वरी सिंह ने कुछ साल पूर्व जमीन की खरीद की थी। वहीं कुछ कारणों से विंदेश्वरी सिंह जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवा सके थे, लेकिन जमीन पर विंदेश्वरी सिंह का कब्जा था। बीते माह पूर्व जमीन मालिक को पूर्व में बिक्री की गई जमीन को दोबारा बेचने की लालच हो गई। नतीजतन तिलगी के जमीन मालिक ने बेची हुई जमीन पर पुनः अपना कब्जा जमाने के लिए जमालदीपुर के विकास यादव के जिम्मे जमीन सुपुर्द कर दिया। जमीन मालिक को ऐसा लग रहा था कि अगर जमीन विकास के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाएगा तो विंदेश्वरी सिंह उसके जिम्मे से जमीन प्राप्त नहीं कर सकेगा और उस जमीन को मन माफिक दर में बेच कर मुनाफा कमाया जाएगा। परिजन बता रहे हैं कि जमालदीपुर के मनीष कुमार और बलराम कुमार ने गुरुवार की शाम विकास यादव को बाला फुसला कर घर से बाहर ले गया और बगीचे में अनिरुद्ध यादव के बासा के समीप अपराधियों की मदद से गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं ग्रामीणों ने 7 गोलियां फायर होने की आवाज सुनने की बात बता रहे हैं। इनमें से 4 गोली विकास यादव को लगी है। घटना भले विकास यादव मिल गलो रहे, मिल साहिल आधा मनीष और बरलाम दोनों ने बुलाए का लेकर मैंने अलग बोलवाइल नशा रास्ता मिली गए वो चलो गए बगीचा तरफ। बगीचा तरफ गल के बाद फाड़फोड़ भेला के बाद हम सब आधा घंटा के बाद जुड़िए तलो का दोसरा के मैंने कि मारे के ओकरा हल्ला गए वो हल्ला की छे कि दूसरा आदमी बोल तारो मंडल कि वो नहीं मरलो छे, ये दूसरे आदमी मरलो छे, मनीष नहीं मरलो छे, दूसरे आदमी मरलो छे। तो वहाँ गलिए प्लॉट पर सबटा दौड़ल 10 आदमी 20 आदमी तो वहाँ देखे थी एक मृत्यु विकास यादव के। विकास यादव के कहाँ घर है? घर भले जमालदीपुर थाना खरीक जिला भागलपुर। कहाँ पर घटना होले? घटना भले बगीचा में जमालदीपुर भले जमालदीपुर घर के बगल। कहाँ जा रहे थे? जा रहे मिल साबर। कौन मिल? मिल आटा गहूँ दे। अच्छा गहूँ दे आबर रास्ता में मैंने टेकअप करे लिखे के मनीष अंबरराम सिंह। ये दोनों के छिके? ये दोनों मैंने एंट्री पात्र भले मैंने दोस्त के रूप से दोस्त छे। हाँ दोस्त भले तो यही दोनों बुलाए का ओकरा ले गेले। ओकरा ले गेले तो मनीष के बारे में पहिने हल्ला भेले जो ने बुलाए के ले गेले ओकरे बारे में हल्ला भेले कि ओकरे मारे देलके। इने तारो मंडल ने कहे छे ओकरा नहीं मारले छे, दूसरे आदमी मरलो छे। कोनो विवाद भी रहे? विवाद जमीन के बारे में विवाद रहे। अच्छा विंदेश्वरी सिंह तो मैं जमीन दूसरा के ले ले रहे पहले बार आज 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले लेला के बाद ओकरा बाप ने नहीं लिखले रहे ओकरा जमीन नहीं लिखले रहे तो जमीन सुपुर्द कर लेके पिंकू झा के। पिंकू झा के सुपुर्द करला के बाद एक बीघा जोते उतल दिलक मैंने जेरो साथी रहे जोते उतल दिलक एक बुनी खाए ला। वही विवाद से विंदेश्वरी सिंह ने कलक थोड़ा 2-4 महीना में जे उठा लेब वही मैंने जरिया भले जमीन के जरिया से मौत भले घटना भले। विकास के पिताजी नाम? विकास के पिताजी नाम स्वर्गीय ब्रह्मदेव यादव।
अपने के लिए हमारा भाई भी मझला विकास का क्या भाई हम चार भाई विकास कम विकास सबसे छोटा छोटा भाई की काम करे रे वही खेती गृहस्थी गाय भैंस रहे भैंस यहीं पहुँचे धरे कुटुम है कोनिया दो चार दिन है छे यह दो चार दिन में ना पहुँचाएगा तने यह राती घटने भेगली तेरा की नाम हमारा नाम बिपिन जाने क्या भी घटना होते हैं घटना लगभग भले ही की छे साढ़े आठ बजे नाम से ठंडा मौसम पुलिस की करी रहा चाहिए पर पुलिस की छह जखने घटना होले तखने नहीं लो पुलिस अला लगभग नौ बजे पौने नौ बजे लगभग अला प्लॉट पर देख गल खोखला मिल ले क्या गो दू गो बोलो मत भले खोखला उसी जगह क्या गोली लगलो छे गोली लागलो छे पांच ठो आरो कुछ करना राज सुनिए जाम होलो रे जाम नहीं भलो रे खाली वही ना की छे सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया गौशाला कर्मियों के बीच पादुका का किया वितरण। शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया जागृति महिला शाखा द्वारा युवा सप्ताह के कार्यक्रम के तहत श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में सभी कर्मचारियों के बीच ठंड को देखते हुए पादुका का वितरण किया गया। साथ ही गौ सेवा के तहत सभी गायों को हरी सब्जी खिलाई गई। इस कार्य से सभी कर्मी बहुत खुश थे और उन्होंने मंच सदस्यों के द्वारा किए जा रहे इस नेक कार्य की काफी प्रशंसा की। वहीं मौके पर रिंकी शर्मा, चित्रा टिबरेवाल, सपना शर्मा, वीना सराफ, रेणु वर्मा, ऋतु चिरानिया, कंचन खेमका, बबीता वर्मा का सहयोग सराहनीय रहा। नवगछिया के मदरौनी के समीप NH31 सड़क मार्ग पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरौनी चौक के समीप NH31 सड़क मार्ग पर पूर्णिया से नवगछिया की तरफ जा रहे पिकअप वैन से रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए शराब के साथ पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शराब के साथ गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक पूर्णिया जिला अंतर्गत मुफसिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी जितेंद्र सहनी 28 वर्षीय पिता अजब लाल सहनी बताया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा पिकअप वैन से बरामद किए गए 237 लीटर शराब में सभी मैकडॉल नंबर 1 एवं इंपीरियल ब्लू ब्रांड के बताए जा रहे हैं, जिनमें से मैकडॉल नंबर 1 22 कार्टून में 375 ml के 528 बोतल एवं इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 4 कार्टून में 180 ml के 215 बोतल शामिल है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चालक से कड़ी पूछताछ की जा रही है कि आखिर नवगछिया में शराब की डिलीवरी कहां करनी थी, मगर पूछताछ के दौरान अभी तक चालक ने इसका खुलासा नहीं किया है। वहीं इस बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पिकअप वैन से पूर्णिया से नवगछिया ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मदरौनी चौक के समीप घेराबंदी की गई। जब पिकअप वैन को रोककर जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। डोलवजा कदवा के उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय। अस्पताल में मरीजों के बदले मवेशियों का है बसेरा। नवगछिया मंडल के कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है, जहां चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण अस्पताल में स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अस्पताल में मरीजों की इलाज या किसी भी प्रकार की देखभाल तो नहीं होती है, लेकिन मवेशियों का बसेरा बनकर रह गया है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत मिलने पर जब GS न्यूज के पत्रकार अस्पताल पहुँचे तो वहाँ के स्थानीय कब्जाधारियों ने
अस्पताल के मुख्य दफ्तर यानी बरामदे पर खाट लगाकर बैठा, जहां अस्पताल के कमरे से सटे बाहर दो गाय व दो भैंस सहित अन्य जानवर भी खूंटे से बंधे हुए थे। अस्पताल के चारों तरफ मवेशियों के मल मूत्र व गोबर के उपले फैले थे। चार दीवारी भी क्षतिग्रस्त देखा गया। वहीं एक किशोर अस्पताल के छत पर बैठा था तो दूसरा घूम रहा था। मौजूद कब्जाधारियों से पूछने पर बताया गया कि यहां डॉक्टर कभी कभी सिर्फ टीकाकरण के दौरान ही आते हैं, इसलिए अपना गाय भैंस रखे हैं। वहीं उक्त बातों को लेकर नौगछिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि डॉक्टर की कमी हर जगह है, वहां एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए। वहां के जो किसान अवैध रूप से अस्पताल पर कब्जा जमाए हुए उन्हें जल्द हटाकर वहां की व्यवस्था सुदृढ़ कराया जाएगा। नवगछिया तेतरी पंचायत का नगर परिषद में विलय पर रोक लगाए जाने की मांग, डीएम को दिया आवेदन। नवगछिया नगर पंचायत को सरकार के द्वारा नगर परिषद में परिवर्तित करने की घोषणा के बाद जहां नगरवासियों में उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद को लेकर प्रखंड के कुछ पंचायत के अंश भाग को लिए जाने से पंचायत के लोगों में असंतोष भी है। इसके तहत तेतरी पंचायत के लोगों ने इसका विरोध जताया है। तेतरी पंचायत निवासी संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष चंद्रभूषण कुमार, बालकृष्ण राय, जयप्रकाश महंत, बमबम चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने तेतरी पंचायत को नगर परिषद में शामिल नहीं करने एवं तेतरी पंचायत को पंचायत रहने देने की मांग जिलाधिकारी से की है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी है। दिए आवेदन में बताया गया है कि तेतरी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग किसान मजदूरी पशुपालन कर जीवन यापन करते हैं। तेतरी पंचायत को नगर परिषद में शामिल किया जा रहा है, लेकिन हम ग्रामवासी नगर परिषद में शामिल होना नहीं चाहते हैं। प्रस्तावित नगर परिषद नौगछिया एवं तेतरी पंचायत की भौगोलिक स्थिति में काफी असमानताएं हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण प्रस्तावित नौगछिया नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत तेतरी में किसी प्रकार का कोई मेलजोल नहीं है, दोनों का प्रबंधन बिल्कुल ही अलग अलग है। मालूम हो कि नौगछिया नगर पंचायत को नगर परिषद बनाए जाने को लेकर नौगछिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत के तेतरी पंचायत के अलावा गोसाई गाँव, पकड़ा पंचायतों के अंश भाग को भी परिसीमन में सम्मिलित किया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया राजद कार्यालय में 24 को मनाई जाएगी कर्पूरी जयंती। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वासा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि नवगछिया स्थित राजद कार्यालय में 24 जनवरी रविवार को दिन के 12:30 बजे जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। नवगछिया बाजार क्षेत्र में चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच नौगछिया शाखा के द्वारा बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए 37वें मंच स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शुक्रवार की शाम 7 बजे नौगछिया शहर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक, महाराजी चौक, दुर्गा मंदिर चौक, वैशाली चौक एवं नौगछिया स्टेशन रोड में अलाव की व्यवस्था की गई। वहीं इस कार्य में अध्यक्ष विकास सिरानिया, सचिव चेतन मुनका, कोषाध्यक्ष विक्रम सराफ, उपाध्यक्ष प्रीतम चिरानिया, जनसंपर्क अधिकारी रवि सराफ एवं पर्यावरण संयोजक कमल टिबरेवाल मौजूद थे। ढोलबजा के कदवा में शिविर लगाकर छात्र छात्रों को दी गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी। नौगछिया प्रखंड के कोसी पार मध्य विद्यालय खैरपुर कदवा में जिला परिषद नंदनी सरकार के लगातार प्रयास से शुक्रवार को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र भागलपुर के द्वारा छात्र छात्रों के लिए शिक्षा लोन शिविर लगाया गया, जहां छात्र छात्रों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं मौके पर जिला परिषद नंदनी सरकार ने कहा कि जानकारी के अभाव में छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए गांव में शिविर लगाकर छात्र छात्राओं को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वहीं शिविर में कदवा के तीनों पंचायतों ढोलबज्जा, खैरपुर कदवा, कदवा दियारा, खगड़ा श्रीपुर व तेतरी पंचायत के छात्र छात्रा शामिल हुए। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र भागलपुर के योजना एवं विकास विभाग सहायक प्रबंधक पल्लवी कुमारी ने कॉलेज के छात्रों को जानकारी दी। नवगछिया रेल थाना प्रभारी बने प्रमोद प्रसाद। नवगछिया रेल थाने के नए प्रभारी के रूप में प्रमोद प्रसाद ने शुक्रवार को कार्य प्रभार संभाल लिया है। वहीं शत्रुघ्न राय को बीपुर रेल थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। विदित हो नौगछिया के नए रेल थाना प्रभारी प्रमोद प्रसाद पूर्णिया रेल थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, उनके जगह शिवशंकर शाह को पूर्णिया रेल थाना प्रभारी बनाया गया है। अंगरा अवैध खनन करते दो ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर को भी पुलिस ने किया जब्त। नौगछिया के रगरा के सदवा ग्राम के कोसी तट पर सफेद बालू का अवैध खनन करते हुए दो ट्रैक्टर चालकों को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों के ट्रैक्टर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार चालक रंगरा निवासी अजय कुमार मंडल और सदवा निवासी ब्रजेश कुमार पाल है। दोनों को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वही मामले की बाबत खनिज विकास पदाधिकारी सर्वेश कुमार के लिखित बयान के आधार पर रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया, शादी की नियत से अपहृत लड़की बरामद। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव से शादी की नियत से अपहृत लड़की को पुलिस ने नवगछिया से बरामद कर लिया है। शुक्रवार को नवगछिया न्यायालय में लड़की का बयान कलमबंद करवाया गया है। नवगछिया, विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। इस्माइलपुर पुलिस ने लक्ष्मीपुर चौक से विदेशी शराब की एक बोतल के साथ जागीर कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पोस्को एक्ट में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ढोलबजा पुलिस ने पोस्को एक्ट में वारंटी ढोबनिया बासा निवासी शंभु देवी और अंशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूटी होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंते नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।